तो वेलकम बैक गाइस। यस यस, मेरे को पता है ये टॉपिक अपने चैनल से काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है। मेरी चैनल तो ये गेमिंग की है, मैं गेमिंग के वीडियोस बनाता हूँ वैसे। तो ये अभी काफ़ी ट्रेंडिंग भी है टॉपिक, तो मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बना लूँ इस पर। इम्पॉर्टेंट भी है, आप देख लीजिए एंड तक, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है। तो सीन ऐसा है कि जो भी सब नए यूट्यूबर्स हैं, मतलब कि आप ले लो एक 0 से 5,000 तक सब्सक्राइबर जिसके हैं, वो जैसे ही कोई वीडियो डालते हैं उनके चैनल पे अभी अजीब अजीब कमेंट आने लगे। मतलब वीडियो जैसे ही डालते हैं एक घंटे के अंदर या फिर कुछ 10-15 मिनट में कमेंट आने लगते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मैंने ये हिटमैन 2 की वीडियो अपलोड की आज 8 घंटे पहले, आप देखिए इसमें 2 ही कमेंट है, लव्ड इट और ग्रेट, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ फ्यू ईयर्स बैक, आई रियली वॉन्ट टू बी यूट्यूब फ्रेंड्स। मतलब आप देखिए ये कमेंट, इनको मैं जानता नहीं हूँ ये दोनों बंदों को। ये दोनों ने कमेंट कुछ बुरे नहीं किए, मतलब मोटिवेटिंग कमेंट किए। मतलब एक ही बंदा या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम कर रही है, वो हर एक न्यू चैनल पर जाके कमेंट करते हैं, कुछ अच्छे मोटिवेटिंग कमेंट करते हैं। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि इनसे पहली बार डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई हैकर्स नहीं है, एक सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है। और यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना भी वीक नहीं है कि ये हैक हो जाए। ये कुछ और कमेंट्स हैं जो मेरे चैनल पे आए थे, आप देख लीजिए। नो कॉपीराइट म्यूजिक, इनका लोगो तो 2 चैनल पे यही था, जैमर ट्रैक्स पे भी यही था। ये डॉट वाले से कमेंट आई है आई लव दिस चैनल और वो सब, इनको मैं जानता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। और हर एक नए वीडियो पे इनके कमेंट आ रहे हैं आजकल। तो मुद्दे की बात ये है कि ये लोग बॉट्स है और इनके खुद के चैनल है, आप देख लीजिए। अभी जैमर ट्रैक्स, नो कॉपीराइट म्यूजिक जैसा लोगो, और इनके चैनल पे देखिए कुछ 3-4 वीडियोस रहेंगे और इनके सब्सक्राइबर इन्होंने हाइड कर दिए। और अब इनके व्यूज़ देख लो, 260,000, 123,000। इन लोगों का मोटो ये है कि ये लोग जाके नए नए चैनल्स पे कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मोटिवेट करते हैं उन्हें। तो वो चैनल ओनर को भी लगता है कि ये भाई ये अच्छा कमेंट कर रहा है, ये अपने को लाइक भी कर रहा है, तो हम भी इसके चैनल पे जाते हैं, लाइक करते हैं, वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। पर जब इनके चैनल पे जाते हैं ज़्यादा कुछ कंटेंट होता नहीं है और व्यूज़ तो ऐसे होते हैं जैसे देखो, मतलब 414,000, 260K, अब देखो। मतलब इनके कमेंट के बारे में खास बात यह है कि ये लोग जैसे कमेंट करते हैं, आप जैसे ही यूट्यूब स्टूडियो ऐप से उन कमेंट पे जब भी क्लिक करते हो वो कमेंट गायब हो जाते हैं, जैसे कोई जॉन सीना का सीन हो, कमेंट गायब हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता वो कहाँ गए। आपको लगता है यूट्यूब ने डिलीट कर दी, पर आपको ये पता नहीं रहता कि सच में हुआ है कि नहीं। तो यार बहुत लोग पूछते हैं कि आपको, मतलब नए चैनल वालों को इनसे क्या खतरा हो सकता है। खतरा सिर्फ यही है कि अगर ये लोग बार बार आपके चैनल पे कमेंट करेंगे तो आपको इन्हें हाइड कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 डॉट्स का ऑप्शन है, वहाँ पे हाइड यूज़र फ्रॉम चैनल कर देना चाहिए। क्योंकि अगर YouTube आपके चैनल को अगर देखेगा कि आपके चैनल पे ये बॉट्स के कमेंट्स आ रहे हैं बार बार, तो शायद आपके चैनल को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अभी ये बात कुछ श्योर नहीं है, पर मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इनको हाइड कर देना चाहिए जैसे ही इनके कमेंट आते हैं। तो यार अभी इसका कंक्लूजन निकलते हैं। कंक्लूजन क्या निकला कि ये लोग बॉट्स है, ये लोग कोई लोग नहीं है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये बॉट्स बनाए हैं और ये जाके हर एक चैनल पे कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, कैन वी बी फ्रेंड्स एंड ये सब, आप देख लीजिए यहाँ पे भी, कैन वी बी फ्रेंड्स हियर बिफोर 100 सब्सक्राइबर, यू मस्ट वर्क रियली हार्ड, काफ़ी अच्छे अच्छे मस्त मस्त कमेंट करते हैं और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं उनकी तरफ, और फिर उनके भी सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, व्यूज़ बढ़ जाते हैं। हर एक कोई जिसके चैनल पर उनके कमेंट आए, वो खुद जाके उनका चैनल चेक करता है, लाइक करता है, शेयर करता है, सब्सक्राइब करता है, सब कुछ कर देते हैं लोग, और ऐसे इनके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इनके कमेंट्स अपने चैनल से हाइड करने हैं या फिर रिमूव कर देने हैं ऐसे करके। और इनसे इंटरेक्शन तो बिल्कुल मत बढ़ाओ, ये मे बी आपके चैनल के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ नहीं, बस अपने काम से काम रखो और वे बाकी यूट्यूब देख लेगा। YouTube ने वैसे भी बहुत सारे बॉट्स बैन कर दिए, जैसे टिम और टिम के अभी कमेंट्स नहीं आ रहे मेरे चैनल पे, वो जैमर ट्रैक्स और कॉपीराइट म्यूजिक के, जैसे कि आपने देखा, और डॉट के कमेंट्स आ रहे थे अभी। तो ये लोग नए नए बॉट बनाते जा रहे हैं, YouTube कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालेगा इस पे, ज़रूर निकालेगा। और अगर गेमिंग कंटेंट पसंद हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना,
मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, जैसे ये सारी लाइव स्ट्रीम्स हैं मेरी बीच बीच में, और वीडियोस भी बनाता हूँ गेमिंग के ऊपर। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।